हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं, ये बंगाली ब्राइड के हाथ में आपको नज़र में आएगा। और बंगाली वेडिंग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। इसे बंगाली में गाजकोटो कहता है। आज मैं इसे कस्टमाइज़ करूँगा। एक पेड वर्क है, इसको कस्टमाइज़ करने के लिए मुझे ऑर्डर मिला था। तो आज मैं आपको इसे दिखाऊंगा कि कैसे कस्टमाइज़ करना होता है इसे। तो सबसे पहले मैं वाइट प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ऊट प्राइमर है, यानी कि ऊट के ऊपर इसे यूज़ किया जाता है। और ये आपको कोई भी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा। एक बार प्राइमर सूख जाने के बाद आप सेकेंड टाइम इसे प्राइमर कर सकते हैं। और प्राइमर सूख जाने के बाद इसके ऊपर आप अपने खुद के अनुसार आउटलाइन कर लेना, क्योंकि मैं एक वेडिंग के लिए ये वाला काम कर रहा था। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर मैं एक दूल्हा और दुल्हन का ड्राइंग किया हूँ, और साइड में उनका नाम भी है। तो थोड़ा बहुत मैं वेडिंग वाला लुक लाने की कोशिश किया। और उसके बाद मैं एट्रिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ कुछ जगह में फैब्रिक कलर का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे और देखते रहे कि मैं इसे कैसे करता हूँ और फाइनल लुक कैसा होता है। सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर, हाय सज आए वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, काश में दुपट्टे वाली हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। लुक छुप ना जाओ जी, मन गीत कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी,
ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों का जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू। तो मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया है और मैं इधर एट्रिक कलर का यूज़ किया था और कलर सूख जाने के बाद मैं इसके ऊपर ऊट का वार्निश यूज़ किया था और वो यूज़ करने के लिए आप देख सकते हैं ये बहुत ही शाइन कर रहा है। और वार्निश करने का और एक फ़ायदा है, ये जो मैं गाच कोटो का कस्टमाइज़ किया ये कभी पानी से ख़राब नहीं होगा। तो अगर आप लोग बंगाली है तो आपको तो पता ही होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है वेडिंग के लिए। तो आप लोग कमेंट में मुझे बोलना कि ये वाला काम आपको कैसा लगा। तो आज के लिए टाटा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।